वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका समसामयिक घटना चक्र के यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या है। आज का जो सेशन है इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इसको जरा देखें। लिखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग कौन सा एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। लिखा है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज जिसे हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज जिससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, मतलब करना बेहद ही जरूरी है। इस पूरी बात के लिए हम एक शब्द यूज करेंगे। अब देखिए, मैं बताता हूं इन चारों का अर्थ क्या है। इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव, इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय, इरिपेरेबल का मतलब होता है जिसे ठीक न किया जा सके, जिसे रिपेयर न किया जा सके, इनएविटेबल का मतलब होता है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, इनएविटेबल अनिवार्य जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनएविटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अपरिहार्य, जिसको आप अनदेखा ना कर सकें। तो जो अवॉइड न किया जा सके उसके लिए वर्ड है इनएविटेबल, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये देखिए, आपको इडियम दिया हुआ है मुहावरा, और आपसे कह रहा है कि भाई इसका मीनिंग क्या है। ऑन क्लाउड 9, ये बहुत पूछता है आपके परीक्षाओं में, आप याद रखना। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है वेरी हैप्पी, क्या होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुशी, जैसे हम लोग कहते हैं ना मतलब बहुत ही खुशी वाले दिन, उत्सव वाले दिन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑन क्लाउड 9 या वेरी हैप्पी, ठीक है ना। और ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा वो है ये, देख लीजिए आंसर, वीडियो पॉज करके आप आंसर मार्क कर लिया करिए, फिर मेरे बताने पे आप चीजों को देखिए। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया इसमें कोई अंडरलाइन नहीं है, मैं अंडरलाइन बना देता हूँ, ये रहा आपका ये पार्ट। और कह रहा है कि इस अंडरलाइन पार्ट में, सारे पार्ट में नहीं, इस अंडरलाइन पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जैसा लिखा है बस वैसा ही सही है, तो आपको वो ऑप्शन चुनना होगा जिसमें लिखा रहेगा इम्प्रूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ अगर क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, कल भी ये क्वेश्चन हम लोगों के प्रैक्टिस सेशन में आया था। तो मैं आपसे बताया था कि देखिए क्वेश्चन टैग का एक नियम है कि सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा, ये रूल है। और सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव बनना चाहिए, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग माने क्वेश्चन टैग बनना चाहिए क्या, aren't you, क्या होना चाहिए, aren't you। तो aren't you नहीं है, मतलब हमको वो चुनना है जिसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है जिसको 4 खंडों में, सेगमेंट में विभाजित किया गया है, और Identify the segment that contains a grammatical error. अब आप सेंटेंस पढ़ें, देयर इज हार्डली सम पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। देखो बेटा, एक नियम आपको समझना होगा कि कभी भी ये जो सम है ना,
ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। नेगेटिव वर्ड्स मतलब नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें नेगेटिव वर्ड कहाँ है, तो इसमें नेगेटिव वर्ड क्या है, हार्डली, हार्डली, स्कैसली। अब इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं जरा देखिए, हार्डली है, स्कैसली है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। अगर ये सेंटेंस में प्रेजेंट हैं तो याद रखना उसके साथ कभी भी सम का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, एनी। तो क्या होना चाहिए था, सम की जगह एनी। तो ये गलती इस पार्ट में है और ये पार्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जिसमें हमारी गलती है, हम ध्यान रहे स्पॉटिंग एरर में आपको क्वेश्चन को सही नहीं करना है। आप ये तो मैं सही करके आपको बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में एरर है वही पार्ट आपका आंसर है। तो ये गलती यहां लिखी हुई है, ये वाला हिस्सा डी में लिखा हुआ है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा है कि एक सेंटेंस के एक हिस्से को अंडरलाइन कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इस अंडरलाइन पार्ट में गलती है तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन से सुधारेंगे, लेकिन अगर लगता है कि नहीं 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 ग्रामेटिकली फिट है तो हमें वो ऑप्शन देना होगा जिसमें लिखा होगा नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, सुधार की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए वो होगा ये फादर आस्क्ड में, देखिए ये नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन के क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है कि कंजंक्शन सेंटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया गया है इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ, इफ लगने के बाद आई या कोई भी सब्जेक्ट आना चाहिए। विल की जगह क्या होगा, वुड हो जाएगा, तो इफ आई वुड जिसमें रहेगा वही आंसर है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन वाले वाक्य में अगर कंजंक्शन हम लगाते हैं और वो क्वेश्चन हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाया गया है तो उसमें कंजंक्शन के रूप में या तो इफ लेते हैं या तो वेदर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट नहीं आना चाहिए, हमको क्या चाहिए, इफ आई वुड, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार फिर से आपको दे दिया गया है सेंटेंस और कह रहा है कि सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर तो नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी नाम किसी भी स्थान के नाम से पहले आर्टिकल आना नहीं चाहिए, रूल यही है। जैसे प्रयागराज है, अब आप यहाँ कहेंगे अ प्रयागराज, द प्रयागराज, तो गलत है। दिल्ली लिखा है, डेली, अ डेली, द डेली, अलग है, गलत है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस के नाम जो जिनके पहले ये वर्ड जुड़ा हो, याद रखना, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, ये वर्ड अगर कभी भी जुड़ा हुआ दिखाई पड़ जाए, या वो स्थान, वो ऐसे स्थानों के नाम जो जनरली प्लूरल में लिखे जाते हैं, देखो यहाँ स्टेट्स लिखा हुआ है और यूनाइटेड भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल द आना चाहिए था इनके पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल द आना चाहिए था, तो आर्टिकल द आना चाहिए था, तो ये पार्ट लिखा हुआ है बी में, यहाँ गलती है, और ये पार्ट बी में लिखा हुआ है, यानी बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन एक बार आपके पास सामने फिर है स्क्रीन पर। लिखा है वुमन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। आप देखते हैं किसी किसी परिवार में परिवार के जो मुखिया होती है वो एक महिला होती है, ठीक है ना। ऐसा, ऐसी औरत जो परिवार का मुखिया है, तो ऐसे परिवार को, ऐसे परिवार को या ऐसे महिला को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मैट्रीआर्क। क्या बोलेंगे, मैट्रीआर्क। देखो कहीं भी अगर देखो मैट
मदर से मैट्री बनता है, ठीक है ना, और फादर से पैट्री बनता है। तो कहीं भी अगर पैट्री या मैट्री आ जाए तो मैट्री माने मदर, पैट्री माने फादर, पिता। आर्क का मतलब होता है रूल, ठीक है ना, आर्क का मतलब होता है रूल, रूल मतलब शासक। जहां पे पुरुष, देखो इसको बोलते हैं मातृ सत्ता, उसको बोलते हैं पितृ सत्ता। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह। देखो ये जो गैमी वर्ड लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मैरिज, शादी। ये लैटिन भाषा का वर्ड है गैमस, उससे आया है, ठीक है ना। मोनो माने होता है वन, एक शादी, मोनोगैमी। पॉली का मतलब होता है मैनी, याद रखिएगा, कहीं भी लिखा रहता है पॉली तो समझ लेगा मैनी। जैसे पॉलीटेक्निक बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है मैनी टेक्निक, ठीक। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। लेकिन कह रहा है कि परिवार में महिला मुखिया हो तो ऐसे परिवार को हम बोलते हैं मातृसत्तात्मक परिवार या मातृसत्ता। तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन के रूप में क्या चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी, मैट्रियार्क। अगर यहीं पे लिखा होता मैन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली तो पैट्रियार्क आंसर हो जाता है, ठीक है ना, पितृसत्तात्मक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन फिर आ गया, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके सामने है, यहां पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि अ स्टीप डिसेंट। स्टीप का मतलब होता है तीव्र, तीव्र। डिसेंट मतलब ढलान, कोई चीज। अब देखो एक ढलान तो ये भी है, लेकिन अगर कोई चीज एकदम ऐसे हो जाए तो वो तीव्र ढलान में आ जाती है। अ स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ अ स्ट्रीम और रिवर, किसी नदी का या किसी नदी का पानी जो एक तीव्र ढलान से होके गिरता है उसे क्या कहते हैं। अभी आप देखो, मान लो ये 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 कोई पर्वत है, हाँ, पहाड़ी है, और यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है बहुत तेजी से, आप इसे क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इसे तो झरना बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। अगर तीव्र ढलान से कोई अगर पानी का एक धारा निकल के आती है तो उसे बोला जाता है वाटर फॉल। करेक्ट ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ये होगा। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, पार्कों में आप जाते हैं देखते हैं फव्वारे लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं फाउंटेन। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, समुद्रों में महासागरों में बड़े बड़ी जो बर्फ की चट्टानें होती हैं, या कह दो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है ना। वर्लपूल, वर्लपूल का मतलब होता है जब पानी गोल 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 घूमे, जिसे सामान्य रूप से हम लोग भंवर कहते हैं, उसे बोला जाता है वर्लपूल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, तो जिस पार्ट में एरर है उसको हमें ढूंढ लेना है, तो चलो ढूंढते हैं। लिखा है अजीत आस्क मी, फिर से क्वेश्चन आ गया पूछने वाला, यानी इनडायरेक्ट नरेशन का से बना हुआ स्पॉटिंग एरर है। अजीत आस्क मी हाउ कुड आई सॉल्व द कॉम। देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, अगर ये सेंटेंस के बीच में आया करे ना, तो कभी भी आप इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य मत माना करिए। पहली शर्त याद रखिए, ये कंजंक्शन बन चुके होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो पहली शर्त ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि इनके तुरंत बाद हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट लगा देना है। तो यहाँ पे हाउ आया तो आप जान गए कि सर ये तो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लगाना चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आने की बजाय हेल्पिंग वर्ब आ गया है, जरा गौर करिएगा। अगर ये ऐसे होता आई कुड तो ये पार्ट सही हो जाता, ठीक है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, इस वाले पार्ट में, हाउ कुड आई, तो यहाँ पे गलती है
इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि हाउ के जस्ट बाद कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं रह जाता, एक शर्त। दूसरी बात ये कि इसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे आ गया है हेल्पिंग वर्ब, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये गलत पार्ट किस ऑप्शन में लिखा है, यहाँ लिखा है ऑप्शन डी में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन डी में है, ठीक है ना। तो ये याद रखा। अब करेक्शन इसका क्या होगा, करेक्शन ये होगा कि हम हाउ के बाद क्या लगा दें, कुड लगाएं, और उसके बाद क्या लगा दें, आई लगा दें, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुटेबल वर्ड को यूज करके इस ब्लैंक यानी खाली स्थान को भरिए। तो आपको मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी खाली स्थान भरने की बात आया करे, हमेशा ध्यान रखा करिए कि सेंटेंस के भाव को समझेंगे। अगर सेंटेंस के भाव को पकड़ पाएंगे कि सेंटेंस किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, ठीक है ना, सेंटेंस कौन से बात को रेफर करना चाह रहा है, अगर ये बात आप समझ गए तो आप शब्द का चुनाव भी सटीक तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी। द फिर डैश वॉज गिवेन अ स्टाइपेंड ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। अब आप सोचिए, स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं। स्टाइपेंड का मतलब होता है ऐसी धनराशि जब आप कहीं सेलेक्ट होके ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान जो भी अमाउंट आपको मिलता है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो स्टाइपेंड दिया जा रहा है ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो किसको दिया जाता है, क्या किसी मालिक को दिया जाएगा, नहीं। क्या किसी एम्प्लॉयर को दिया जाएगा जो आपकी नियुक्ति करता है, जी नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा। क्या एंट्रेंट का मतलब होता है आगंतुक, जो आप किसी जगह आते हैं प्रवेश लेने, क्या उनको दिया जाएगा, नहीं। किसको दिया जाएगा, इंटर्न को। इंटर्न वो व्यक्ति होता है जो अनुभव के लिए कहीं पे कुछ दिनों के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पढ़ाई पूरी की, अब आपको अनुभव तो है नहीं, तो किसी कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, उस काम के बदले में सैलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन आपके थोड़े मोड़े खर्चों के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे बोला जाता है इंटर्न। इंटर्न एक्सपीरियंस के लिए कहीं पर कुछ दिनों के लिए किया गया काम होता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को कहते हैं इंटर्न, और उसी को क्या दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। तो यहाँ से अनुभव लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा इंटर्न इसका करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। एक बार फिर से आपके सामने क्या है, एक इडियम है, मुहावरा है, और इसका मतलब क्या होता है। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, जिसे हम लोग बोलते हैं इवेंचुअली, क्या बोलते हैं, इवेंचुअली। जैसे कहते हैं अंततः ऐसा हुआ, अंत में ऐसा हुआ, फाइनली ऐसा हुआ। तो अगर मान लीजिए कभी कभी इन द लॉन्ग रन के लिए इवेंचुअली वर्ड आया तो भी आप याद रखेंगे कहीं कहीं। और इसका क्या, इसका और एक वर्ड क्या हो सकता है, हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में फाइनली वर्ड बोलते हैं, तो ये फाइनली भी इसका मतलब होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इन द लॉन्ग रन कॉमा इंडिया वन द मैच, और अंत में भारत मैच जीत गया। तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, कभी भी कोई चीज याद रखने के लिए दो तरीका जरूर अपनाया करिए, उसको बोलने की कोशिश करिए या उसको लिखने की कोशिश करिए। तो जब आप बोलेंगे लिखेंगे तो वो शब्द हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। हिंदी के सारे शब्द आप नहीं जानते हो, लेकिन उन्हीं शब्दों पर आपका कमांड होता है जो शब्द अक्सर आप यूज करते हो। तो यूज हम कैसे करते हैं, या तो उन्हें हम बोलते हैं या तो लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, देयर आर फाइव। कह रहा है कि पांच हैं, क्या हैं, अब आगे देखेंगे। मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के पांच मेंबर हैं, हमेशा के लिए, फॉर एवर, इमोर्टल जो कभी मर ही नहीं सकते, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। तो किसी मेंबर का इस्तेमाल थोड़े ही करेगा संयुक्त राष्ट्र। आगे लिखा है परमानेंट, इसकी हिंदी होती है स्थाई, ठीक है ना।
अस्थाई। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए शब्द सूट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जरूर लग रहा है देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थाई सदस्य हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये अक्सर आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इनकरेक्टली, इनकरेक्टली का मतलब होता है जो स्पेलिंग गलत है उसी को चुन लेना है। तो देखते हैं किसमें गलत लिखा हुआ है। VEIN, वेन, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्विक, जल्दी, ये भी कोई गलती नहीं है। सर्टेन, निश्चित, ये भी गलती नहीं है, लेकिन ये गलत है। गलत इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, ये देखो, देखिए एकदम अलग अलग करके दिखा रहा। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है निहित या समाविष्ट, अपने में कोई चीज रख ले वो कंटेन होता है। जैसे ऐसे मैं कह दूं इस किताब में 10 अध्याय हैं, तो ऐसे बोल सकता हूं मैं, दिस बुक कंटेन्स 10 चैप्टर्स। ठीक है ना बेटा, आगे बोल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, देखो कह रहे सबसे एप्रोप्रिएट यानी सबसे सुटेबल विलोम शब्द पूछ रहा है ऑफ द गिवन वन। मेटल का सबसे, मेटल का मतलब होता है, जानते हो क्या होता है, मेटल का मतलब होता है शौर्य, बहादुर, ब्रेव, साहसी, उत्साही, निर्भीक, इस तरह के जितने वर्ड हैं वो मेटल के लिए आएंगे। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर अगर ये शौर्य है, साहस है, मेटल है, तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो। कॉशस, कॉशन माने होता है सावधान, सावधानी। अटेंशन माने होता है ध्यान। स्टैमिना का मतलब आप जानते हो, ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को स्टैमिना कहते हैं। तो यहाँ पे शौर्य के लिए सबसे बढ़िया जो वर्ड है वो है कायरता, कावर्डाइज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कायरता, कावर्डाइज। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन जो आया है आपके सामने, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसको बोलते हैं क्या, क्लोज टेस्ट। स्पेलिंग देखना जरा, क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, सेंटेंस के बीच बीच में खाली स्थान दे दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स आपको हटा दिए जाते हैं, और हर खाली स्थान में भरने के लिए आपके पास 4 वर्ड दिखाई पड़ेंगे। कितने वर्ड दिखाई पड़ेंगे, 4 वर्ड, ये देखिए। अब ये वर्ड ग्रामर का कोई शब्द हो सकता है, ग्रामर के कोई वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक सुटेबल वर्ड यहाँ पे फिल करना है ताकि ये मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। तो हर खाली स्थान, जैसे खाली स्थान नंबर 1 है, नंबरिंग की गई है ना, अब इस खाली स्थान नंबर 1 में यहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक नंबर 1 को फिल करने के लिए 4 वर्ड दिए हैं, उसी तरीके से ब्लैंक नंबर 2 को फिल करने में। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए बेटा, पहले आप एक रफली आइडिया निकाल के इसे क्या कर लो, पढ़ लो। जैसे चलो पढ़ लेते हैं, तो एक आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि ये क्या कहना चाहता है। जब आप इसको मोटा मोटा पढ़ लेंगे तब आपके दिमाग में आएगा कि हमको कौन सा वर्ड चूज करना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यू, यू दैट टोमेटोज एंड प्रोसेस टोमेटोज प्रोडक्ट प्रोटेक्ट, कह रहा है कि आगे यू दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, कह रहा है कि टोमेटो यानी टमाटर, प्रोसेस टोमेटो प्रोडक्ट, प्रोसेस टोमेटो प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे जैसे आप सॉस खाते हो ना, तो ये टोमेटो का ही प्रोडक्ट है, इसको प्रोसेस कर दिया जाता है, मतलब उसको कुछ मिला के बना दिया जाता है। ठीक है ना, अचार खाते हैं आप, पिकल, तो उसको प्रोसेस टोमेटो प्रोडक्ट कहते हैं। सम टाइप्स ऑफ कैंसर, अब प्रोटेक्ट भी लिखा है, टाइप्स ऑफ कैंसर, तो आप देखिए आपको एक आइडिया मिल रहा है कि टाइप्स ऑफ कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, से प्रोटेक्ट करता है, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए।
कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट्स, कह रहा है कि कैंसर को रोकने वाले जो क्वालिटीज हैं टोमेटो में, टोमेटो प्रोडक्ट्स में हैव बीन, फिर खाली स्थान बना दिया, आगे दिया है टू लाइकोपीन। लाइकोपीन एक ऐसा तत्व होता है, आप देखते हैं ना टमाटर का कलर एक विशेष प्रकार से लाल होता है, ये जो लालपन है ना टमाटर का इसी तत्व की वजह से आता है, लाइकोपीन की वजह से। आपको जनरल स्टडीज में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है टमाटर में लाल रंग का कारण कौन बनता है, तो है लाइकोपीन। आगे, इट इज अ ब्राइट रेड पिगमेंट, ये देखो बता भी रहा है, आगे बता रहा है कि ये क्या होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन इट इज अ ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला लाल रंग का पिगमेंट, पिगमेंट माने रंग कलर होता है, ठीक है ना। फाउंड इन टोमेटोज, टोमेटो में पाया जाता है, एंड उसके बाद फिर खाली स्थान दे दिया, फिर लिखा गया है रेड फ्रूट्स में और बहुत सारे लाल रंग के जो फल होते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस द डैश ऑफ लाइकोपिन, कह रहा है कि टोमेटो का जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या इंक्रीज कर देता है टोमेटो में। अब हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, तो पहले देख लिया जाए, पहले खाली स्थान नंबर एक में क्या आता है, यू लिखा है और उसके बाद लिखा है दैट टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड। अब ऑप्शन देख लेते हैं, मे हियर, एम ए वाई लगे रहने का मतलब होता है कि हम किसी भी बात को लेके संभावना व्यक्त कर रहे हैं। मे हियर, आप इसका हिंदी हुआ आप सुन सकते हैं। आर गोइंग टू हियर, तो आप सुनेंगे, अभी सुना नहीं है आपने, सुनेंगे, ठीक है ना। विल हियर सेम अर्थ दे रहा है, मे हैव हर्ड सुना होगा, तो यहां पे संभावना सबसे अच्छा क्या है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आपने ऐसा सुना होगा, तो सुना होगा कि कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, यू मे हैव हर्ड, तुमने सुना होगा कि टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड टोमेटो प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आपने ये सुना होगा कि भैया खूब टमाटर खाओ तो ये हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अब किससे सुरक्षा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अगला खाली स्थान भरने के लिए वर्ड मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा अगला खाली स्थान, कह रहा है कि खाली स्थान नंबर दो को भरो। तो खाली स्थान नंबर दो को भरने के लिए हम लोग के पास क्या है, क्या क्या वर्ड आया, प्रोटेक्ट डैश सम टाइप ऑफ कैंसर। अच्छा आप हिंदी में थोड़ा बोलिए कि सुरक्षा करता है कुछ प्रकार के कैंसर से, अब कौन सा वर्ड आएगा जिससे हमको सटीक वर्ड मिलेगा, और चारों प्रेपोजिशन है। प्रोटेक्ट फॉर होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट होता है, प्रोटेक्ट एज होता है, प्रोटेक्ट बाय होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब इस बीमारी से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं ब्लैंक नंबर थ्री, खाली स्थान नंबर थ्री में भरने के लिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है खाली स्थान नंबर तीन को भरने के लिए, द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज, कैंसर को रोकने वाले जो क्वालिटीज हैं टोमेटो की, टमाटर की, या उसके टमाटर के उत्पाद की, हैव बीन। अब हैव बीन के बाद देखो बेटा, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। अब गौर करेंगे ऑप्शन पे तो हमको ये मिलता है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो कहीं है ही नहीं, सारे के सारे थर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब अर्थ निकालोगे सेंटेंस का तब समझ में आएगा क्या लिखा है। द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज, कैंसर को रोकने वाले जो क्वालिटीज हैं टोमेटो प्रोडक्ट की, हैव बीन डैश टू लाइकोपिल। देखो यहाँ पे टू आया है, तो हमारे लिए जो सबसे बढ़िया वर्ड है वो एट्रीब्यूटेड है। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कैंसर में, कैंसर को रोकने वाले जो गुण होते हैं टमाटर में वो किसकी वजह से आते हैं, एट्रीब्यूटेड टू,
लाइकोपिन, तो यहाँ पे क्या आएगा एट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा एट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आएगा एट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। आते हैं अगला कि ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा, तो ब्लैंक नंबर 4 में हम देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू लाइकोपिन, इट इज अ ब्राइट रेड पिगमेंट फाउंड इन द टोमेटोज एंड अनदर रेड फ्रूट्स, न्यू फ्रूट्स, अदर फ्रूट्स, सेम फ्रूट। तो टमाटर में तो एक पाया ही गया, अब टमाटर भी तो सब फल और सब्जी की कैटेगरी में आता है ना, तो यहां पे सबसे बढ़िया वर्ड क्या है अदर वर्ड, करेक्ट ऑप्शन इज अदर, और दूसरे शब्दों में, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इसका आंसर नोट कर लीजिएगा आप, यहां पे आंसर है अदर, तो इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे आखिरी में क्या आएगा उसको मैं बता देता हूं, आप चीजों को सुन लीजिए। तो अब यहां पे लास्ट में आएगा क्या, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस द डैश ऑफ लाइकोपिन। आप सोचिए कि टमाटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है लाइकोपिन के क्या एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन मतलब उसके अनुप्रयोग को बढ़ा देता है, उसके सांद्रण को बना गाढ़ेपन को बढ़ा देता है, परसिस्टेंस को बढ़ा देता है, अटेंशन को बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, जब प्रोसेसिंग हम करते हैं तो लाइकोपिन का कंसंट्रेशन गाढ़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन याद रखना बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे ध्यान लगाने से नहीं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण या गाढ़ापन, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आपका आज के 20 क्वेश्चन का सेशन जो हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली कवर अप किया। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपको नई नई बातें पता चलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले टर्न में। Thank you so much.